वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि सैमसंग डिवाइसेस में TWRP कैसे इंस्टॉल करें। अब TWRP है क्या और इसे इंस्टॉल करने के बेनिफिट्स क्या हैं, वो सबसे पहले देख लेते हैं। TWRP एक एंड्रॉयड बेस्ड कस्टम रिकवरी है एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए, और ये प्रोवाइड करता है टच स्क्रीन इंटरफेस जिसमें कि यूज़र थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है एंड अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल बैकअप ले सकता है, जो स्टॉक रिकवरी एंड्रॉयड फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। बैकअप लेने के अलावा हम इसमें कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं एंड अपने डिवाइस को रूट कर सकते हैं, और TWRP रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए रूट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। विदाउट रूटिंग यू कैन इंस्टॉल TWRP रिकवरी इन योर एंड्रॉयड फोन्स। TWRP रिकवरी के जैसे और भी बहुत सारे रिकवरी है, जैसे कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, पीच ब्लैक रिकवरी, रेड वुल्फ रिकवरी एंड मैनी मोर। तो हम TWRP रिकवरी की इंस्टॉलेशन के लिए सैमसंग गैलेक्सी M20 का यूज़ करने वाले हैं। गैलेक्सी M20 पर TWRP इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप PC के बिना TWRP इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर, या ADP और फास्टबूट या फिर ओडिन फ्लैश टूल का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आज ओडिन फ्लैश टूल का यूज़ करके M20 पर TWRP इंस्टॉल करने वाले हैं। TWRP इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट, अपने डिवाइस को कम से कम 50% चार्ज कर लें। सेकेंड, सैमसंग USB ड्राइवर अपने PC पर डाउनलोड करना होगा। थर्ड, अपने फ़ोन पर USB डीबगिंग का ऑप्शन ऑन कर लेना है। फोर्थ, ओडिन फ्लैश टूल अपने PC पर डाउनलोड कर लेना है। फिफ्थ, TWRP रिकवरी के फाइल को अपने PC पर डाउनलोड कर लेना है। एंड सिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अपने फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक कर लेना है। मैंने सभी फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, और अगर आपको नहीं पता कि सैमसंग डिवाइसेस में बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं, तो मैंने उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो या फिर ऊपर आई बटन से भी चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सैमसंग USB ड्राइवर अपने PC पर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको ओडिन फ्लैश टूल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है एंड ओपन कर लेना है अपने PC पर। नेक्स्ट, आपको अपने फोन के फास्टबूट मोड या फिर डाउनलोड मोड को ओपन कर लेना है। इसके लिए आपको फ़ोन को पहले पावर ऑफ कर लेना है एंड देन आपको पावर की प्लस वॉल्यूम डाउन को साथ में प्रेस कर लेना है कुछ टाइम के लिए। फास्टबूट मोड ऑन होने के बाद आपको अपने फ़ोन को USB से कंप्यूटर पर कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही आपका फ़ोन कनेक्ट होगा, आपको ओडिन फ्लैश टूल पर ब्लू सिग्नल मिलेगा, मतलब कि आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया है प्रॉपरली। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको USB ड्राइवर फिर से रीइंस्टॉल कर लेना है एंड देन ट्राई करना है। आफ्टर सक्सेसफुल कनेक्शन आपको ऑटो रिबूट एंड F रीसेट टाइम ऑप्शंस पर टिक कर लेना है ऐसे। देन AP टैब पर क्लिक करके आपने जो TWRP रिकवरी फाइल डाउनलोड की थी उसे सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि आपको .tar वाली फाइल ही डाउनलोड करना होगा। देन फ्लैशिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ओडिन फ्लैश टूल में स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है। अब आपको वेट करना है प्रोसेस फिनिश होने का। कुछ ही मिनट्स में ये प्रोसेस फिनिश हो जाता है। अगर आपका प्रोसेस सक्सेसफुली फिनिश होता है तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। इट मींस कि TWRP आपके फ़ोन पर इंस्टॉल हो गया है। अगर फेल होता है तो आपको ओडिन फ्लैश टूल बंद कर लेना है
एंड अगेन फोन को डाउनलोड मोड पर करना है एंड सेम प्रोसेस रिपीट कर लेना है। नाउ दैट्स ऑल, हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है TWRP अपने सैमसंग गैलेक्सी M20 पर कोडिंग फ्लैश टूल की मदद से। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू अप्रिशिएट माय वर्क सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।